क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। बीजेपी 2000 आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का ये दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। सत्रहवीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक विध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से ही आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना ये अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सबके एक साथी के नाते भी आप सबका अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल, आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेक विध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ।
आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला, कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना, ये भी अपना घर छोड़ के निकलना, ये भी संकट का काल था। उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी, आपने उसको किया, देश के काम को रुकने नहीं दिया, सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रत्ती भर भी पीछे न रहे, इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त, इतना ही नहीं, एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया, ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर लोग लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की, और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के, चाहे 17वीं हो, 16वीं हो, 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश और जो आजादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा हमेशा हमारे मार्गदर्शक रूप में ये सेंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम, और अब
प्रतिवर्ष उसको सेरेमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़ के रखेगा। और आज़ादी की वो पल क्यों थी, हमें वो याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है आदरणीय सभापति जी। ये भी सही है कि इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली, भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में G20 की तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत किस महान परंपरा को लेकर के, किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बढ़े हैं। व्यवस्थाएं बदली होगी लेकिन डेमोक्रेटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है, उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत की और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ, शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम संविधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी संसद जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से 2-2 बालक उस दिन दिल्ली आते थे, और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे, यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आपने आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने, शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही लेकिन अब सब इसके आदि हो गए हैं। सब मैं देखता हूँ जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता
और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब करीब 97% रही है। प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे, और उसमें भी 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहेंगे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात रात बैठ बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। पहले सत्र में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया, हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आज़ादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आज़ादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर करके उत्सव से बनाया, और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियाँ, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और उनके साथ ये जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है, और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है, और देश हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए, पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360, आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रगटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे
ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के अनुसार कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे हैं। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। और यही सच्चा लोकतंत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूंगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसका जिक्र हो करके, यानी एक और भले ही वो छोटा सत्र था लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था, इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यह हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। तीन तलाक, कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी, अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें, लेकिन तीन तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी मान्य सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद। पीढ़ियों से होता है यह अन्याय, हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पे है, राजनीति क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश
इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। ১৯৩০ में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा के लिए नमक का सत्याग्रह था, घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था, हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आज़ाद होकर रहना है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है, हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के, इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हरेक को होगा, और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे। ये मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं, और मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कानून आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं, और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम ये 17वीं लोकसभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की युवा शक्ति में इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनी ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा, पूरी दुनिया में चर्चा है डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है, पूरी भावी को एक नया शस्त्र हमने उसके हाथ पर दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपने अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और डाटा का उपयोग कैसे हो उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है।
अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोगों गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूँ वो सामर्थ्य भारत को प्राप्त। और भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारा रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जल थल नभ इस सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, ये ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है और विश्व जिस प्रकार के विचारे प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। और उसके लिए आवश्यक स्पेस से जुड़े रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस के रिफॉर्म का काम हमारे यहाँ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उसमें 17वीं के लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कंप्लायंसेस बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा, ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। और इसके लिए भी ये सदन का मैं आभारी हूँ। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे एक सरकार टांग क्यों अड़ाए। हाँ, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवीय की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे हैं, छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस। यहाँ तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार अगर वाइट वॉश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो। अब ये जो एक प्रकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल कहते हैं उन लोगों की आइडियोलॉजी, और देश में ये तुमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए भाई, वो करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, वो सोसाइटी फ्लैट वाले लोग अपनी लिफ्ट रिपेयर करते ही है जी, हर चीज़ कर लेते हैं। तो ये जो समाज पर नागरिक पर भरोसा करने का काम, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम
17वीं लोकसभा ने किया है और इसके लिए जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूँ 180 से ज़्यादा प्रावधान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है, वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। कोर्ट की चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, मध्यस्थता का कानून उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जो हमेशा हाशिए पर था, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है हम है। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई, सरकार सरकार होने का उसको एहसास होता था। और यही तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है, वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम है, जो निर्णय किए हैं, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है, अब तक करीब 16-17 हज़ार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को, और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी है, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है, वो सम्मानीय जिंदगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि 1.5-2 साल कोविड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन इस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमें अपने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा, उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र और अंतिम अवर ही समझ लीजिए है, लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी,
लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है, और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो ज़रा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, सत्रहवीं लोकसभा के तो संसद के बजट